है, अब तुम मामा के पास रहोगे ना क्या? मामा से प्यार नहीं करते हो? रहोगे ना? मैं जाऊं ना, मामा के पास रहोगे ना? मामा अभी यहीं रहेंगे। टाटा टाटा बोल ही नहीं रहे हो तुम कुछ? रहोगे ना? हाँ नहीं। बोलते हैं। तो मामा से प्यार नहीं करते हो? क्या हो गया? अभी हम लोग निकले हैं बाहर क्योंकि भाई आया है, तो बाहर नहीं निकले ऐसा तो हो नहीं सकता। एक्चुअली उसके लिए ठंडी कुछ चीज़ें लेनी है, वो यहाँ नहीं था तो मैंने नहीं ली। उसने बोला था कि ले लीजिएगा, बट मैंने बोला जब आना ही है कुछ दिनों में तो साथ में चल के ले लेंगे। तो बस हम लोग जा रहे हैं वहीं। स्माइल तो देखिए इसका। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसके लिए कुछ शॉपिंग करने। लाइट का कितना इश्यू है यार। वही वही इता बोले पैंट निकालो ना सादा गंजी। बोलिए भैया। हमारी शॉपिंग तो डन हो चुकी है, भाई लिया हुआ है आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन जो कि पास में ही है, कुछ काम से जा रहे हैं तो चलते हैं पहले वहाँ, वहाँ का काम निपटाते हैं उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में, हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है तो भूख भी लग चुकी है हम लोगों को। भाई ने तो लंच भी नहीं किया, वो लेट आया तो उसने बोल स्किप कर दिया खाना, बोला कि अब क्या ही खाऊंगा काफ़ी लेट हो गया है, तो उसे भी भूख लगी होगी। पहले जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम को ख़त्म करते हैं, उसके बाद भेंट पूजा के बारे में सोचेंगे हम लोग, है ना। चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लग रहा है ना। मोमो खाने के बाद हमने पान का भी लुफ्त उठाया, बट ये थोड़ा चॉकलेटी वे में था पान। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, भाई का चॉकलेट फ्लेवर था, कैसा था? मज़ा आ गया। और इसमें थूकना उकना नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मज़ा आ गया खा के, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। हम लोगों की शॉपिंग हो चुकी है, खाना पीना हो चुका है, अब हम लोग जो जा रहे हैं घर, कुछ चीज़ें लेंगे घर के लिए, बच्चों के लिए, मुंह का भी पूरा होगा। लेकिन एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, आप लोग के आसपास अगर मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। चलिए चलते हैं घर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वापस नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और अभी हम लोग धूप में खड़े थे, विटामिन डी ले रहे थे, थोड़ी ठंडी थोड़ी बहुत आ गई है तो बस धूप में खड़े थे, अभी तो बहुत तेज़ लगने लगी तो हम लोगों ने सोचा कि ठंडी आ गई है और ठंडी में गर्मा गर्म मैगी नाश्ते में हो जाए तो क्या बात, ठंडी में मैगी खाने का कुछ अलग ही लेवल होता है, क्या बोलते हैं। चलिए चलते हैं पहले मैगी बनाते हैं और सबको मैगी खिलाते हैं। भाई भी उठ गया है, लेट नाइट आया था तो थोड़ा लेट उठा है, अब इसका मुँह देख सकते हैं, क्या दिखाना मुँह तो उठ गया है तो मैगी बनाती हूँ तब तक ये भी ब्रश वगैरह कर लेगा, वैसे तो फ्रेशन अप हो चुका है, सिर्फ ब्रश नहीं किया है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले किचन में मैगी बनाते हैं और सबको इस ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म मैगी खिलाते हैं।
यहाँ पे मैं मैगी बना रही हूँ और गाना भी गा रही हूँ साथ में, क्योंकि मुझे फुल साउंड में गाना चला के काम करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बस, मेरा मैगी रेडी हो गया है। शाम हो चुकी है जैसे कि आपको दिख रहा है, और हम लोग आए हुए हैं अभी पार्क में। ये पार्क हम लोगों के घर से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे है, इसलिए हम लोगों ने घर का ड्रेस ही पहन के मार लिया है यहाँ पे। एक्चुअली बेटा लोगों को झूला झूलना था, तो हम लोग बोले कि चलो घर के बगल में ये चलते हैं लेके, और क्या। और ये पार्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, सामने लेक है। मैं मॉर्निंग में आती हूँ यहाँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो मैं आपको सुबह में दिखाऊंगी कल कि कितना बड़ा है। अभी तो फिलहाल वो लोग झूला झूल रहे हैं, बेटा को भेज दिया है मैंने कि ले जा, तब तक हम लोग थोड़ा एक आधे घंटे वॉक कर ले। तो वो लोग झूला झूलने के लिए चला गया और हम लोग थोड़ा घूम ले, उसके बाद फिर उन लोगों से मिलेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत यूज़ है, मॉर्निंग वॉक पार्क लेक चिल्ड्रंस पार्क आप जो भी बोल सकते हो। मैं आपको मॉर्निंग में शोर दिखाऊंगी एकदम। तो चलिए पहले बिना बकबक किए मैं थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। घूम लिए, वो देखिए बेटा जा रहा है मम्मी के साथ, झूल लिया, थक गया। हम लोग तो वॉक कर रहे थे बट इतना झूला कि वो हम लोगों से पहले वही थक गया था। तो बस अभी घर जा रहे हैं, देखते हैं रास्ते में अगर कुछ खाने को होगा तो खिलाएंगे उसको। आइसक्रीम चाहिए बट अभी मैं आइसक्रीम उसको नहीं दिलाऊंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत ठंडी आ चुकी है, फिर खांसी जुकाम हो जाएगा, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। देखती हूँ क्या खाता है, कुछ खरीद देते हैं, थक गया है बोल रहा है, तो चलिए चलते हैं। और क्या, खाना बन चुका है, अभी खाने का टाइम है, तो मैं आपसे खा के मिलूंगी या फिर कल सुबह मिलूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि आज खाने में क्या बना है। टी, आलू गोभी की सब्जी, साग है ये लाल साग और चना दाल, सुबह का भुजिया भी है, अनियन है, मिर्चा है और दाल चावल है। ये दिन का है, मैंने लंच नहीं किया, मैं ब्रेकफास्ट करके ही थी, तो वो चावल था तो मम्मी ने दे दिया। बेटा का रोटी है यहाँ, तो थोड़ा सा अचार है, तो ये सारा चीज़ खाना है आज। मैं अकेले नहीं खाऊंगी, इसमें बेटा भी है, ये वाला रोटी बेटा का है, मेरा ये राइस है। तो मैं आपसे खा लेने के बाद मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब। मैंने अपना चाय वगैरह कंप्लीट कर लिया है और थोड़ा ऐसे ही थोड़ा आलस जैसा आ रहा है, ठंडी का मौसम है ना, तो अभी जा रहे हैं नाश्ता बनाने। नाश्ते में थोड़ा हल्का फुल्का ही नाश्ता बन रहा है आज। नाश्ते में बन रहा है आई थिंक चना फ्राई, जी हाँ। तो चलिए सबसे पहले नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये पापा कुछ फ्रूट्स भी लाए हैं, अभी गए थे मार्केट। अच्छा एप्पल आया है, एप्पल और क्या सब्जी लाए हैं, निकाल दिया जाए। अभी बनेगा ये सब्जी, मम्मी का फेवरेट कुम्हड़ा आया है। अच्छा ये मेरी मम्मी का फेवरेट सब्जी है। और कुछ क्या आया है, हरा सब्जी, मिर्चा, प्याज वगैरह सब, अभी नाश्ते में दे देंगे एप्पल और बनाना भी साथ में। हमारा मसाला चना कंप्लीट हो गया है। आपको पता है हम लोग स्कूल टाइम में ये चना मसाला बहुत जाया करते थे, हम लोगों का फेवरेट था, फटाफट से बनाते थे। तो जब मैं खुद अगर बनाने चाहती थी, तो अगर खुद नाश्ता बना के ले जाना होता था, तो एक तो मैगी आता था बनाने उस टाइम, और एक ये चना मसाला, तो ये फटाफट इंस्टेंट बन भी जाता था। और काफ़ी प्राउड होता था कि यार हम लोग भी कुछ बना के खुद से ले जा पा रहे हैं। तो ये उस टाइम हम लोगों का फेवरेट था। ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन पे मैं बनाती थी अपने टिफिन लंच बॉक्स के लिए। तो यहाँ नाश्ते में भी कभी कभी बन ही जाता है, हल्का नाश्ता करना होता है, जैसे कि पापा फ्रूट्स लेके आए हैं तो फ्रूट्स और ये चना मसाला मिक्स करके सब खा लेंगे हल्का फुल्का नाश्ता। तो बस हमारा अब चना मसाला रेडी है, अब
आई थिंक नाश्ते का टाइम हो गया है, 9:30 ऑलमोस्ट हो रहे हैं, तो चलिए सबको सर्व करते हैं। नाश्ता बन गया है, इसमें डालूंगी धनिया पत्ता जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अपनी अपनी पसंद, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है। मेरे भैया को धनिया पत्ता नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों, किस प्लेनेट का है, बट मुझे तो धनिया पत्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब हमारा चना मसाला रेडी है, अब फटाफट से सबको देंगे और हम लोग अपना नाश्ता इंजॉय करेंगे। तो आप लोग भी अपना नाश्ता इंजॉय कीजिए, तो उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। शाम हो चुकी है, जैसा कि आपको देख के लग रहा होगा, अगेन हम लोग आए हैं पार्क में। जी हाँ, घर के बगल वाले पार्क में हम लोग आए हैं, और आज एक्चुअली कोलकाता में पवनदीप राजन आया है जो इंडियन आइडल जीता था, बट वो जहाँ पे आया है वो हम लोग के घर से थोड़ा दूर पे है, तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, और वैसे भी उतना पैसा लगेगा कौन जाएगा, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो बस हम लोग ऐसे ही आए हैं, बच्चे लोग को थोड़ा घुमाने वुमाने के, थोड़ा झूला वाला झूल ले वो लोग और क्या, और बस उसके बाद निकलेंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।